All right, hi everyone, good evening. Yeah, hi Kushal, hi Rudraksh. Good evening Rudra, good evening Hardik. Yeah, hi Lakshmi, hi Mashmi. All right. So, आज हमारा डाउट डिस्कशन सेशन है एंड वी कैन यूज दिस सेशन टू डिस्कस योर डाउट्स फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर्स एज वेल एज यू नो डिस्कस मेजर टेस्ट के यानी क्वेश्चंस एंड ऑल. वैसे मैंने आप लोगों का रिजल्ट देखा नहीं, कैसा रहा मेजर टेस्ट का रिजल्ट आप लोगों का? हु इज आवर क्लास टॉपर? ऐसा आप लोगों का क्यूमुलेटिव रैंक आया क्या एडवांस्ड का पेपर वन पेपर टू मिलाकर, या पेपर वन पेपर टू का अलग अलग रिजल्ट ही चल रहा है? अच्छा, सेपरेट ही है रैंक. ऑल राइट, अच्छा अर्नव अग्रवाल ने टॉप करा है क्या? क्या रैंक रहा उसका? तो ऐसे एक्चुअल में बता रहे हो या मजे लेने के लिए बता रहे हो? अच्छा, अर्णव हैज अ रैंक वन, लाइक पेपर वन पेपर टू. कौन है अर्णव? हमारे इसमें डाउट सेशन में बैठा है क्या अर्णव? डाउट सेशन में तो नहीं बैठा है, जनरली बैठेगा भी नहीं. तुम्हारे स्कूल का है क्या? ऑल राइट, लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग आई शेयर्ड नो डिडंट आई?
आज थोड़ा लेट हो गया था मुझे, बट आई वुड हैव शेयर्ड इट इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह अभी सीनियर्स बैचेस में एक्चुअली क्रैश कोर्स चल रहा है ना. अच्छा ऐसे कैसे वैष्णव? केम का तो बहुत ही इजी था मेजर टेस्ट का पेपर. क्रैश कोर्स इज मोर लाइक रिविजन्स, रिविजन्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, लाइक मल्टीपल चैप्टर्स कंबाइंड. हाँ हाँ आप लोगों का भी क्रैश कोर्स होगा, बट टुवर्ड्स द लाइक आफ्टर द सिलेबस इज डन. राइट. एमटी में हमेशा पहले के सिलेबस हमेशा ऐड अप होता रहता है, इट्स ऑलवेज अ क्यूमुलेटिव सिलेबस. नहीं 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 इट इज ऑल पार्ट ऑफ योर करंट सिलेबस ओनली. मतलब जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद में अभी क्रैश कोर्स चलता है, फिर उसके बाद में एक टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है. नेक्स्ट एमटी हाँ मतलब जैन मिड में कहीं पर होना चाहिए, लाइकली है जैन मिड में ही रहना चाहिए. आज तो हम लोग डाउट्स ही करने वाले हैं. लाइक मैंने अपनी तरफ से मतलब पेपर डिस्कशन भी कर सकता हूँ, लाइक इफ यू वुड, इफ यू गाइस वुड वांट टू डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री एमटी का पेपर. बट देखने में तो मुझे बहुत ही इजी लग रहा है पेपर. एंड also we can discuss doubts from previous chapters also. सिलेबस आप लोगों का लाइक यू कैन से अभी पिछले साल के कंपैरिजन में तो पीछे ही चल रहा है. रीजन बीइंग दैट पिछले साल अप्रैल की जो क्लासेस शुरू हुई थी उसके बाद में गैप वगैरह काफी आ गया, एडमिशंस काफी लेट हुए, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा. बट यू गाइज विल बी एबल टू कवर अप. अब आपके डबल ट्रैक एंड ऑल शुरू हो गए हैं. जनरली छह सात मेजर टेस्ट तो हो ही जाएंगे आपके, मिनिमम मिनिमम 6 to 7 मेजर टेस्ट तो होते ही हैं. और उसके बाद में फिर ओपन टेस्ट एंड AITS टेस्ट सीरीज भी जाती है, बीच में माइनर टेस्ट वगैरह भी रहेंगे. आप मान के चलो अभी अगले मेजर टेस्ट में अब ज़्यादा टॉपिक्स आ जाएंगे ना, लाइक डबल ट्रैक शुरू हो गए हैं आपके, तो द नंबर ऑफ टॉपिक्स विल इंक्रीज नाउ. TWTs आपके शुरू हो जाएंगे मोस्टली, अभी दिसंबर से शुरू हो जाने चाहिए वापस से TWTs. अभी ये टाइम है, यूजफुल टाइम है. मतलब आई होप यू गाइज आर यूजिंग दिस टाइम टू कवर एनी बैकलॉग्स दैट यू हैव. ये मैंने आपको एमटी के पहले भी बताया था, और एमटी के बाद का जो वीक रहता है काफ़ी क्रूशल रहता है. इनफैक्ट आप लोग नोटिस कर रहे हो कि अभी भी केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आप लोगों को होमवर्क देने स्टार्ट नहीं किया है, लाइक वी आर स्टिल कवरिंग द बेसिक्स ओनली. नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं आप लोगों को होमवर्क भी देना स्टार्ट करूंगा बॉन्डिंग का. एंड एनी वेज आपको बॉन्डिंग के होमवर्क में इतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज मोस्टली अबाउट नोट्स. लाइक आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, फटाफट खत्म हो जाएगा.
ठीक है, सो यू यूटिलाइज दिस टाइम टू कवर एनी बैकलॉग्स दैट यू हैव. All right, then. हाँ मतलब वो ठीक है. देखो स्कोर जरूरी नहीं है कि सब बच्चों का, तो पहले एमटी में अच्छा स्कोर नहीं होता है, बट धीरे धीरे अब यू नो डिफरेंस क्रिएट होने लगता है बिटवीन स्टूडेंट्स हु आर जस्ट इंटेलिजेंट वर्सेस स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट एज वेल एज वेल ऑर्गेनाइज्ड. बिकॉज सिलेबस बढ़ता जाता है ना, तो देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू यू नो काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज दैट सिलेबस वेल. क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज वट दीज कंपेटिटिव एग्जाम्स डू, दे काइंड ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट्स हु आर जस्ट इंटेलिजेंट वर्सेज दोज हु आर ऑर्गेनाइज्ड एज वेल. मतलब एक एक चैप्टर का अगर टेस्ट आप सबको दिया जाए तो ऑल ऑफ यू विल टेंड टू एक्चुअली स्कोर क्वाइट वेल, बिकॉज एक चैप्टर में सब लोग अपना एक कॉम्पिटेंसी बना पाते हैं, राइट. बट वहीं पर मल्टीपल चैप्टर जब दिए जाते हैं, हाउ वेल आर यू एबल टू यू नो मैनेज योर करंट टॉपिक्स एज वेल एज डू रिविजन्स ऑफ योर ओल्डर टॉपिक्स एंड हाउ वेल इज दैट रिविजन स्ट्रक्चर्ड, वो सब दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. And that is where I have been telling you that you should keep your shortlisted questions, like you should highlight those shortlisted questions that you have. ठीक है, track रहना चाहिए आपके पास में. Like for example, अभी just मैंने कल ही ये एक और batch में like discussion किया था, जहाँ पे I spoke about कि कितने check boxes लग गए हैं इसके अंदर, like based on कितना syllabus आपने करा है. राइट, आप लोगों को भी मैं ये शेयर कर देता हूँ. राइट, यू शुड हैव अ ट्रैक कि अभी तक आपके चार चैप्टर्स हो चुके हैं, राइट, जिसमें से तीन तो मेजर टेस्ट में आए थे, मोल, एटॉमिक, पीरियोडिक एंड गैशेस. इनका बुकलेट का कितना कवरेज हो चुका है, डीपीपीज कितने कवर हो चुके हैं, राइट. अगर आप एन अवस्थी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, पीरियोडिक के लिए तो एन अवस्थी नहीं रहा होगा, पीरियोडिक के लिए देर विल बी यू कैन से डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स. से जी डी लिए आपने फॉलो किया होगा, सुदर्शन गुहा वाला या कोई और बुक फॉलो करा होगा, तो हाउ मच कवरेज हैज बीन डन, लाइक इनमें से हैव यू प्रिपेयर्ड द शॉर्ट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन और नॉट. ये ट्रैकर लाइक होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ यू सच दैट यू आर अवेयर कि कितना हो चुका है, कितना बाकी है, and accordingly you structure your studies. ठीक है, और अभी से इस चीज में दिमाग मत लगाओ वैष्णव, दिस इज अ वेरी रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क, विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर केमिस्ट्री. ईच चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट. मतलब अभी तो सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ और उसके पहले ही तुम शॉर्टकट्स ढूंढने लग गए कि विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. मतलब दिस इज काइंड ऑफ अ लाइक बैड एटीट्यूड टूवर्ड्स योर एग्जाम प्रिपरेशन. चार चैप्टर पढ़े नहीं और उसमें भी सिलेक्शन करना शुरू करना है तुमको, भाई एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए अभी. हाँ मतलब कई बैचेस में आई थिंक गैशियस हुआ नहीं है, आई थिंक दोज वर स्टूडेंट्स हु वुड हैव स्टार्टेड लेट. आई एम नॉट श्योर आप लोगों का गैशियस का मतलब लाइक वर यू टॉट बॉन्डिंग इंस्टेड, वॉज दैट द केस? अच्छा ओके, तो ये कौन से बैचेस में थे? हु वाज टीचिंग यू बॉन्डिंग, डू यू नो लाइक कौन से वाले बैच में थे आप लोग? अच्छा आप सर सब वीडीसी सर वाले बैच से हो. ओके ठीक है, मैं बात करता हूँ. आई विल ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज सूनर और लेटर यू नीड टू गेट योर गैशियस स्टेट चैप्टर डन, बिकॉज अदरवाइज दिस विल बी अ प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड. आप लोगों का एक चैप्टर का गैप ही रह जाएगा.
So, आप लोगों ने बॉन्डिंग पूरा कर लिया था बिफोर मेजर टेस्ट? वाज बॉन्डिंग डन कंप्लीटली? अच्छा, बॉन्डिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ था. बट कितने लेक्चर्स हो गए थे बॉन्डिंग के? अच्छा, गजर सिंह, 3-4 लेक्चर हो गए थे. ऑल राइट. एंड आप लोगों का कितने बच्चों का बैच रहता था बिफोर मेजर टेस्ट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड बी देयर, गेटिंग अ टेंटेटिव आइडिया? अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 स्टूडेंट्स. ऑल राइट, ठीक है. बॉन्डिंग तो मैं करवा ही रहा हूँ आप लोगों का. दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू गो ऑन. ठीक है. सो एनीवेज, आप लोगों को लाइक अब डीपीपी इज डेफिनेटली, अगेन दिस वॉज समथिंग विच माइट नॉट हैव बीन कवर्ड विद यू, बट आई हैव बीन शेयरिंग दिस डीपीपीज विद द प्रीवियस सपोर्ट बैच. एंड अभी भी आगे मैं शेयर करता जाऊंगा ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो बुकलेट है, उसमें आप देखो कितना आपका कवरेज हो रहा है. एंड देन इवन इफ डीपीपीज नहीं है तो एन अवस्थी में आपने लाइक अगर बुकलेट अच्छे से कंप्लीट हो गई है तो एन अवस्थी के बेसिक क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है. यू शुड ओनली एम एट एडवांस लेवल क्वेश्चंस ओनली. एंड देन लुक फॉर, इतने सारे आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हैं तो उसमें भी इफ देर आर एनी गुड क्वेश्चन दैट यू हैव कम अक्रॉस, सो ईच चैप्टर का क्वेश्चन बैंक रेडी रहना चाहिए आपके लिए. राइट, सो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका अभी संडे को मेजर टेस्ट है तो पैनिक नहीं होना चाहिए. यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद वॉट यू हैव इन टर्म्स ऑफ डूइंग रिविजन्स. राइट, यू विल नॉट देन ट्राई टू सी ये करना है वो करना है कहाँ से करना है. You will be much more relaxed if you would know where to do your revisions from. All right. चलो अब doubts discuss कर लेते हैं. I think एक basic ज्ञान आप लोगों को समझ में आ गया है क्या क्या है. Now you guys let me know your questions. I think बीच में किसी ने तो question पूछा था, I think दिया ने पूछा था या किसी ने तो पूछा था, that is copper डायमैग्नेटिक और वाई इज इट कॉपर डायमैग्नेटिक. कॉपर में अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है ना, आप उसका कॉपर का कॉन्फिगरेशन देखोगे. राइट, आर्गन 4s1 3d10, सो इट हैज गॉट एन अनपेड इलेक्ट्रॉन विच इज वॉट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स paramagnetic behavior. S3O9 का structure, ये I don't think आप लोग खुद से बना सकते हो. Like you might have taken an attempt at drawing a structure for S3O9, but इसका structure is something a little different and difficult. Like a 3D kind of a structure है इसका. And ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है, बट नॉट समथिंग विच यू वुड बी एबल टू गेट अ ग्रिप बाय योरसेल्फ. ये तो बस मैंने इसीलिए बताया है ताकि फ्यूचर रेफरेंसेस में काम आएगा. हाँ, क्या कह रहे हो दिशा, एमटी में इट वाजंट गिवन एज पैरामैग्नेटिक? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा होगा. कौन सा क्वेश्चन का कह रहे हो आप एमटी में? मेरे पास है पेपर्स, मैं भी चेक कर लेता हूँ. बताओ,
Which question? Mains में, एडवांस में, पेपर वन, पेपर टू? क्वेश्चन 26 ऑफ एडवांस पेपर टू. ओके, पेपर टू एडवांस क्वेश्चन नंबर 26. एक मिनट. Which of the following is paramagnetic? हाँ, तो इसमें क्या क्या रहेगा आपका आंसर? कॉपर, क्रोमियम, मैंगनीज, जिंक नहीं रहेगा. जिंक में सब पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. यू आर सेइंग आंसर की सिर्फ सी एंड डी दिया था. नहीं, बाद में करेक्ट करा दिया होगा तो आंसर की. नहीं, एसीडी रहना चाहिए. आप लोगों को लाइक उस टाइम पे फिर आंसर की करेक्ट कराना चाहिए था. उस टाइम ही आप लोग बोलते हैं. ओके, नहीं, सॉल्यूशन भी तो भेजा होगा ना. सॉल्यूशन में भी क्या लिखा है? नहीं, गड़बड़ है. ए सी डी तीनों आंसर रहना चाहिए. इसका उस टाइम पे लोग कंसर्न रेज करो सेंटर मैनेजर के साथ में आपके, वो फिर करेक्शन करवाएंगे. ठीक है, इन पैरेलल मैं अभी बात करता हूँ. और कोई क्वेश्चन है जिसमें ऐसा आप लोगों को आंसर का कोई कंसर्न है? ये तो आप लोग इमीडिएटली रेज कर दिया करो. ऐसे कंसर्न रहेंगे ना मेरे साथ में, लाइक सब्जेक्ट टीचर्स के साथ में तो करा ही करो, एज वेल एज आपके जो सेंटर मैनेजर है उनके साथ भी शेयर कर दिया करो, उनके भी नोटिस में आ जाएगी. ठीक है, ऑल राइट. देन नेक्स्ट क्या डाउट है? बार ऊपर जाके देखते हैं. एम वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल्स इन द करस्पॉन्डिंग
पी एंड डी सब शेल. सो इसमें लाइक द थिंग इज दैट हम लोग जिस तरीके से डिस्कस कर रहे थे ना, लाइक जेड एक्सिस ठीक है इज कंसिडर्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. ठीक है, इफ नथिंग इज मेंशन देन इन मेनी केसेस जेड एक्सिस इज कंसिडर्ड एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. तो इसमें टी जेड को ना एम एल इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो जीरो असाइन करते हैं. डी जेड स्क्वायर का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जीरो असाइन करता है. एक्स एंड वाई का फिर वेरी कर सकता है. ठीक है, देन इसके बाद में अमन का डाउट है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मैक्सवेल्स लॉ. मैक्सवेल्स का लो कौन सा लॉ पढ़ लिया आपने अभी? मतलब मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कौन सा लॉ पढ़ लिया आपने मैक्सवेल का? भाई बहुत सारे हैं वैसे तो, बट आई डोंट थिंक अभी आपके सिलेबस में कोई आया है. ये केतन को अलग ही आईपीएल का भूत सवार है अभी भी. ऑलराइट, देन यू हैव ओके. हाँ, ये डायना को भी पूछना है पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक. यश का भी डाउट है डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक. तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ना पहले. मतलब लेट मी सी, लेट मी फाइंड इट आउट, कहीं तो किसी एडवांस के बैच में हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे ना ये स्टार्टिंग में. ट्राई एंड रिमेम्बर, ये जब हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का डिस्कशन कर रहे थे तभी सबका डिस्कशन किया था. पॉलीज एक्सक्लूजन मल्टीप्लिसिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक अगले बैच में कराऊंगा. राइट, ये किया था ना. सी, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लिए थे उसके बाद वी हैड स्पोकन अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एटम्स. राइट, एंड यहाँ पर लेट मी एक्चुअली कॉपी इट अप. सो व्हेन वी look at magnetic behavior of substances around us, what we understand is that this property of magnetism is something which is, ha, main baat karta hu yash thodi der mein uske bare mein. Okay, this property of magnetism, okay, isme aap notice karoge like what we understand is it is something which is an inherent property associated with substances. And if we try to dig deeper, what we understand is that like all atoms behave like tiny magnets. And in fact, these atoms, they behave like tiny magnets because of these fundamental particles present in them. Like ek atom ke andar nucleus as well as electron both contribute to magnetic nature of the atom because these fundamental particles themselves possess magnetic properties. Now inside an atom
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में एक्चुअली इट इज इलेक्ट्रॉन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. तो हम लोग न्यूक्लियस का इग्नोर कर देते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एंड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एटम में मैग्नेटिज्म आता है उसको स्टडी करते हैं. सो ऑल एटम्स हैव इनहेरेंट सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन देयर इज दिस मैग्नेटिक कैरेक्टर. एंड इलेक्ट्रॉन के भी रीजंस हैं लाइक विच कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स मैग्नेटिक बिहेवियर. सो देयर इज इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन एज वेल एज इंट्रिंसिक स्पिन विच प्रोड्यूसेस दिस मैग्नेटिक इफेक्ट. नाउ ऑर्बिटल मोशन जो है वो तो कैसा रहता है, इट इज सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस. हाउएवर दिस इंट्रिंसिक स्पिन, ये जो फोर्थ क्वांटम नंबर डिस्कवर हुआ था, दिस वॉज समथिंग विच वॉज डिस्कवर्ड एज अ फोर्थ और यू कैन से फंडामेंटल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद सब्सटेंसेज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक स्पिन. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक बिहेवियर. And this is something which when we observe in individual atoms or ions, ठीक है, तो यहाँ पे notice करना in most substances ये जो spin है ये cancel out हो जाता है because these electrons they get paired up while becoming part of the atom. But in some cases there are unpaired electrons also जहाँ पे cancellation complete नहीं हो पाता. ये आप लोगों ने configuration में study किया है. तो जहाँ पर ये कैंसिलेशंस हो जाते हैं, जहाँ पर स्पिन कैंसिलेशंस रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप रहते हैं, देर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सच सब्सटेंसेस, सच मटेरियल्स, दे आर कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल कैसा हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव मैग्नीशियम, राइट, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नीशियम एटम्स. Right, you can have something like argon, noble gas ka jo configuration hai. All substances are paired up. Molecules ke level pe bhi baat karte hain. Molecules ke level par dheere dheere baat karenge. Abhi aapne is chapter mein to atomic structure mein atoms ke baare mein hi samjha tha. But molecules like N2 bhi rehta hai. Wo diamagnetic rehta hai. And there are other like substances also, which are there in diamagnetic category. Now, what do these substances do? What is the observed behavior for them? They oppose or repel an external applied magnetic field in a very weak manner. And why do they do so? This is something ye aap abhi to nahi samajh paoge, but aap 12th class mein Lenz law karke padhoge magnetism mein. Tab aapko ye cheez samajh mein aayegi that why do these electrons, they tend to oppose or repel an external applied magnetic field. Now, in examples jahan par there are paired up unpaired electrons, for example sodium, iske andar unpaired electron present rehta hai. Theek hai, you have let's say chlorine ka atom, iske andar unpaired electron present rahega. O2 gas jo rehta hai, theek hai, ye bhi iske andar bhi unpaired electron present rehta hai. कैसे रहता है वो हम लोग देखेंगे थोड़े टाइम बाद जब मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन होगा. इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. कैसे रहते हैं मैं बताऊंगा आपको. तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देर इज अ डिफरेंट बिहेवियर, देर इज अ स्ट्रॉन्गर बट स्टिल लाइक ओवरऑल वीक रहता है बट रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बिहेवियर शोन बाय सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिज्म, इन विच इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड. ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज एट एटम लेवल की स्टडी. ठीक है, एटम लेवल पर हम लोग डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म बात करते हैं. अभी आप लोगों की इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग एटम लेवल पर ही रेस्ट्रिक्ट करी गई है, बट बाद में 12th क्लास में देयर विल कम अ चैप्टर जहां पर हम लोग सॉलिड्स के लेवल पर बात करेंगे. एंड सॉलिड्स में व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज, तब उसमें वी टॉक अबाउट फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर लाइक फेरो फेरी एंड एंटी फेरो. ये क्या रहते हैं वो जब आप सॉलिड्स के बारे में बात करोगे, कलेक्शन लाइक टू
हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे नोटिस कराया है दैट क्रोमियम इज एक्चुअली अ मैग्नेटिक एटम. क्यों? क्योंकि क्रोमियम का कॉन्फिग्रेशन अगर आपको पता है तो क्रोमियम का कॉन्फिग्रेशन कैसा रहता है, लाइक आर्गन 4s1 एंड 3d5, राइट? देर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देर आर मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो एट अ एटम लेवल देर आर मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन साइड क्रोमियम. बट जब हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं क्रोमियम की, तो वो नॉन मैग्नेटिक रहता है, एक्चुअली वो एंटी फेरो रहता है. तो ऐसा क्या होता है इसके अंदर, वो हम लोग 12th क्लास में एक चैप्टर में बात करते हैं, ठीक है? इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं आपके साथ में एक वेरिटासियम का वीडियो शेयर कर सकता हूँ विच विल टॉक अबाउट दिस. देखना चाहोगे? आई थिंक थोड़ा 7-8-10 मिनट का वीडियो है, बट अच्छा वीडियो है. वेट, actually have full outer electron. This is ये वेरिटासियम के चैनल पर नहीं है. ये लो, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, बट स्क्रीन शेयर में एक्चुअली वो लैग बहुत आता है इफ आई प्ले वीडियो, तो इट इज बेटर आप लोग क्लिक करके खुद से देखो. प्ले इट फ्रॉम द बिगिनिंग. Able to magically attract at long distances because
All right, is everyone back? All right, so I hope you enjoyed the video. It's a very good video made in combination with Deratasium and Minute Physics. These are both great science channels. In pe kafi achche achche interesting videos milte hain. And sometimes when you are able to connect them with the syllabus, it's really fun. And like bahut baar dekhta hu, matlab, in fact, if you watch or rewatch the video again multiple times, you will understand some more things. All right, coming back. So right now, as per our understanding, according to our syllabus, अभी हम लोग एटम के लेवल पर है, राइट? हम लोग एटम के लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, एंड इसीलिए हम लोग सिर्फ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज बेस्ड ऑन पेयर्ड अप एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम. दैट्स इट. सॉलिड्स के लेवल पर ये आप 12th क्लास में डिस्कस करोगे, फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक मटीरियल्स क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो उसमें वही डोमेन्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा टू वर्क विथ. All right. Now, next. We have a doubt from Yash. अच्छा नहीं, हार्दिक का पहले है actually. हार्दिक says he didn't understand dative bond. And when do we use to draw resonance structures? नहीं, ऐसा नहीं है कि dative bond का special use resonating structures बनाने में आता है, और ऐसा direct connection नहीं है. Dative bond is one of those covalent bonds in which what we say is there are two electrons getting shared between two atoms, but those electrons are being shared by one atom. Not one electron coming from each atom, right? And that is what creates a difference when we are drawing many Lewis structures also. ठीक है, तो इसमें थोड़ा स्पेसिफिक होके बताओ हार्दिक, दैट व्हाट इज इट दैट यू डिड नॉट गेट. नहीं नहीं, इट इज नॉट लाइक एन आयनिक बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल शेयर्ड. राइट, इनफैक्ट चलो मैं तुमको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देता हूँ. लेट्स से आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. ठीक है, ओजोन कैसा है यहाँ पर आप नोटिस करना. सो वी हैव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नाउ व्हाट हैपेंस इज that there is a double bond that is formed between the atoms, and then there are lone pairs. ठीक है, अभी जो lone pairs रहते हैं ये कैसे रहते हैं, they reside in orbitals. ठीक है, so like just as a rough sketch trying to help you understand, हम लोग इस तरीके से ये ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स लाए कर रहे हैं, एंड यू हैव ऑक्सीजन विच हैज अनदर ऑक्सीजन विच यू नो क्रिएट्स वेकेंट ऑर्बिटल, एंड देन इस वेकेंट ऑर्बिटल के साथ में लोन पेयर के ऑर्बिटल्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, लाइक ओवरलैप करते हैं. अभी मैंने ये ऑर्बिटल्स का पर्सपेक्टिव आप लोगों को दिया नहीं है, बिकॉज ये हम लोग वीबीटी में ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर
What it means is that जब covalent bond बन रहा है, ठीक है, एक simple covalent bond बन रहा है, let's say I am comparing this with a simple covalent bond versus AB, right? ये एक single covalent bond है और ये dative bond है, तो इसमें what we mean to say is that ये A रहेगा, ठीक है, एंड बी रहेगा, ठीक है, एंड इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये आपस में एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, दैट दे विल कम क्लोज, दीज ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप, एंड दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयर अप हो जाएंगे. वेयर एज यहां पर what will happen is that A के पास में ही दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स है और B वेकेंट है, ठीक है, वेकेंट है, एम्प्टी ऑर्बिटल कह सकते हो आप, एंड उसके साथ में यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं. दैट इज what dative bond is. ठीक है, बट ये ऑर्बिटल्स का पर्सपेक्टिव मैं आप लोगों को पूरा दूंगा जब हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अभी के लिए डोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. ऑल राइट, देन नेक्स्ट डाउट है यश का. अच्छा, बुकलेट के डाउट है यश को, एक मिनट यश, लेट मी ब्रिंग फोर्थ बुकलेट. गैशियस स्टेट में गेट इक्विप टू एडवांस एंड पैसेज, पैसेज फाइव का यश तुमने अभी तक नोटिस उसमें से नहीं पढ़ा क्या जो मैंने तुम लोगों के साथ में सोल्यूशन शेयर किए थे? गेट इक्विप टू एडवांस का वन और मोर देन वन पे एक बार देख लेते हैं. पहले तुम्हारा क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, रियली ये तो काफी सिंपल है. ये तो हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था ना. इसके जैसा ही क्वेश्चन, लाइक जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन है, राइट, इट इज इक्वल टू moles of helium upon moles of methane into root over molecular weight of methane upon molecular weight of helium, right? Right hand side par I need to include the moles or pressure, you can say partial pressure, because in dono ka different mole fraction hai, and ye left hand side mein I will put it as moles diffused out, how many moles of helium diffused out upon how many moles of CH4 diffused out in a given time period, और ये T cancel out कर दो, और इससे ये आपको moles diffused मिल गए. अच्छा अच्छा, not this one, one or more correct का, okay okay, my bad, ये वाला पूछ रहे हो आप. इस वाले में भी okay. आप फॉलो करो ना, यहां पर 2, 2, 3 में, राइट, व्हाट इज हैपनिंग, 2, 2, 3 जो प्रोसेस है इसमें वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इंप्लाइज प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, ये तो आइडियल गैस लॉ से आ जाएगा. एंड 1, 2, 2 में, 1, 2, 2 में व्हाट यू आर सीइंग इज दैट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है एज वेल एज टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, राइट, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. तो ये दोनों क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं? बोथ ऑफ दीज टूगेदर पॉइंट आउट दैट प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, एंड टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब प्रेशर इंक्रीज होता है. Right. However, if you want to mathematically also understand this,
मैथमेटिक्स के लिए भी अगर आपको ये चीज समझनी है तो इसमें v इज इक्वल टू माइनस एम टी प्लस सी, लाइक ये लीनियर इक्वेशन रहेगी राइट, एंड इसको यू कैन देन सब्स्टिट्यूट इन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. सो यू कैन पुट पी माइनस एम टी, या यू कैन से पी वी और वी की जगह रख दो, माइनस एम टी प्लस सी इज इक्वल टू एन आर टी. तो आपको पी मिल जाएगा एन आर टी अपॉन माइनस एम टी प्लस सी. सो यू विल गेट पी हाउ इट विल वेरी विथ टेम्परेचर. बट ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, आप एक सब्जेक्टिव तरीके से भी समझ सकते हो. ठीक है, देन इसी में क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था ना, दिस वाज रियल गैसेस का क्वेश्चन ऑन द सेम लाइंस एज द वन व्हिच वाज डिस्कस्ड इन द क्लास. इसमें दिस वन इज द फोर्थ वन, ये सेकेंड वाला, ये वाला ग्राफ है, लाइक दिस इज नॉट द सेकेंड वन. आई थिंक ये आप, ये वाला जो नीचे जाके ऊपर आ रहा है वो फोर्थ वाला ग्राफ है, सेकेंड वाला इज दिस वन. सो प्लॉट वन इज वेयर ए इज नेग्लेक्टेड, प्लॉट टू इज वेयर बी इज नेग्लेक्टेड, प्लॉट थ्री is where both A and B have been neglected, like idle behavior ke bare mein baat ho rahi hai, and plot 4 is at a temperature which is much higher than critical temperature. To ye plot 4, iska matlab temperature is greater than boil's temperature, right? And boil's temperature kya hota hai? A by BR. Critical temperature kya hota hai? 8A upon 27 BR, right? So you know that boil's temperature is anyways greater than critical temperature. So the temperature is greater than critical temperature only. So ye fourth wala bhi correct ho gaya. Samajh mein aaya? Haan, kya keh rahe ho Ketan? Jitna gaseous state nahi hua hai, wo leave kar sakte hain kya? Matlab? Leave kar sakte hain matlab? अच्छा, यू डोंट वॉन्ट टू सेट फॉर दिस लेक्चर. नहीं, ऐसा नहीं है कि दिस लेक्चर इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू गैशियस स्टेट. यू हैव डाउट्स इन अदर चैप्टर्स और अदर कॉन्सेप्ट्स, तो वो भी आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, देन पैसेज 5 एंड पैसेज 7. पैसेज 5 का आंसर तो उसमें सॉल्यूशंस में मैंने भेजा था यश, एक बार उसमें आप देखो. And in fact, passage 7 का आंसर भी मैंने शायद उसमें ही भेज दिया था, but passage 5 का तो for sure भेजा था. Passage 7 का चलो मैं आपके साथ फिर भी एक बार देख लेता हूँ. Let me see. देखो ना, काफी सिंपल है, मैं बता दूं तो कुछ चलो देख लो. क्वेश्चन 1 ऑफ पैसेज 7 कैसा है. सो इसमें आप नोटिस करो, यहां पर फ्लास्क 1 है और फ्लास्क 2 है. ठीक है, हमें वॉल्यूम एटसेट्रा के बारे में तो कुछ आइडिया दिया नहीं है, बस इतना दिया है कि यहाँ पर ए एंड बी दोनों गैस प्रेजेंट है और यहाँ पर ओनली ए गैस प्रेजेंट है. ठीक है, एंड इन द फर्स्ट फ्लास्क यू आर एम एस ऑफ ए इज गिवन टू यू एज यू आर एम एस ऑफ ए इज गिवन एज 500 मीटर पर सेकेंड, एंड यू आर एम एस ऑफ बी
is given as 400 meter per second. ठीक है. And in the second flask, URMS of A is given as 400 meter per second. तो इससे मैं definitely ये conclude कर सकता हूँ कि flask 2 का temperature कम है, right? And जब फिर मैं इन दोनों को mix up करूँगा, ठीक है, तो जो final temperature रहेगा, ठीक है, that will come somewhere between T1 and T2. राइट कुछ भी गर्म और ठंडे को हम लोग मिक्स करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर उन दोनों के बीच में ही आता है ना. अब एग्जैक्टली बीच में आएगा या कितना T1 के पास रहेगा कितना T2 के पास रहेगा वो सब तो डेटा पर डिपेंड करता है, बट हम चीज़ ये तो बोल ही सकते हैं दैट फाइनल टेम्परेचर इज गोइंग टू बी बिटवीन T1 एंड T2. सो एज अ रिजल्ट वॉट विल हैपन इज दैट ए, ठीक है, A will start moving, right? Final URMS of A will be now between 400 and 500 meter per second. क्योंकि final temperature इन दोनों के बीच में आ चुका है. And URMS of B will be definitely less than 400 meter per second. क्योंकि temperature अब T1 से कम हो जाएगा. So इसमें सिर्फ एक डी ऑप्शन ही है जो मैं सर्टेनिटी से बोल सकता हूँ दैट URMS ऑफ ए विल डिक्रीज बिलो 500 एंड URMS ऑफ बी विल डिक्रीज बिलो 400. समझ में आया? ऑलराइट, एनी अदर डाउट्स? विंडो टू जेई मेन, एक मिनट, विंडो टू जेई मेन्स का 9th वाला अभी रुक जाओ यश, बिकॉज आप लोगों ने ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है ना, तो थोड़ा सा आप अटक रहे होगे उस पर. आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में सीख जाओगे ये. वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, मतलब मूल कंसेप्ट ही है, बट ठीक है, इक्विलिब्रियम एक बार पढ़ोगे तो इट विल बिकम इवन मोर इजी टू अंडरस्टैंड. 11th वाले में एक्चुअली ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है. इसमें व्हाट यू नीड टू डू इज आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है ना, एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ, ये इसके लिए हम लोग पीवी बाय आरटी यूज करेंगे. तो वेपर प्रेशर जो आपको दिया हुआ है उसको आप यूज करो 3170, राइट. एसआई यूनिट्स में अगर चल रहा है तो एसआई यूनिट्स में ही चलने दो. तो 3170 पास्कल है एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल 1 dm³ है, मतलब 10^-3 m³ है. आर को 8.314 एंड टेम्परेचर को 300 केल्विन कर दो तो उससे आपको मोल्स मिल जाएंगे, कितने मोल्स हैं. इतना सही है. All right. Then window to J advanced में question number 7. Window to advanced में 7. Boiling point पर. हाँ. ये वैसे तो हम लोग वापस से इक्विलिब्रियम चैप्टर जब पढ़ते हैं, ठीक है, तब थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली पढ़ने के बाद में ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसकी आती है दैट ऑन एन एवरेज बोथ द फेजेस हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी.
सो गैस फेज और लिक्विड फेज में लाइक अंतर कैसा होता है फ्रॉम एन एनर्जी पर्सपेक्टिव? व्हाट इज द डिफरेंस लाइक काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज मच मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड्स. दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस फ्रॉम एन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू. एंड व्हाट वी आर डूइंग इज एज पार्ट ऑफ हीटिंग इट अप, हीटिंग अ लिक्विड, इज वी आर इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी. And this boiling point is something where you can understand, one of the technical ways of understanding is that average kinetic energy of both the phases become equal. ठीक है. हाँ, देन क्या कह रहे हो रोमिल? डू वी हैव टू लर्न द डेरिवेशंस ऑफ केमिस्ट्री फॉर्मूलाज और रिमेम्बरिंग देम इज इनफ? वेल, डेरिवेशंस विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि कॉन्सेप्चुअली आपको पता रहे, ताकि इनके सम डेविएशन, सम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आर क्रिएटेड तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड आंसर देम. हाउएवर, विद टाइम यू विल गेट अ सेंस ऑफ मच्योरिटी व्हेन यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड क्वेश्चंस इन टेस्ट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, दैट सम डेरिवेशंस आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. Whereas some derivations become important. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछोगे रियल गैस का डेरिवेशन है, राइट, तो वो नहीं आएगा काम आगे. वान डर वाल्स इक्वेशन जो आपने लिखी है उसका जो डेरिवेशन है, हम लोगों ने जो पूरा प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, वो सब चीज़ों को डिस्कस किया, वो समझने के लिए अच्छा था. ठीक है, टू गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वाज वंडर वॉल पैरामीटर ए, वंडर वॉल पैरामीटर बी, लेकिन वो डेरिवेशन आपसे कोई पूछने नहीं वाला. ठीक है, वहीं पर अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बोर्स मॉडल के डेरिवेशन करे थे, तो बोर्स मॉडल के डेरिवेशन में आपने एनर्जी का, स्पीड का, रेडियस का डेरिवेशन जो करा था, वो उस टाइम पे नहीं भले ही ध्यान दिया हो, बट फ्यूचर में यू माइट कम अक्रॉस क्वेश्चंस जहाँ पे दैट डेरिवेशन भी माइट बी यूज्ड. तो ये चीज धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी एज यू गेट एक्सपोज टू मोर एंड मोर क्वेश्चंस. ऑलराइट, और बताओ व्हाट एल्स? ऐसी बातें करो, तुम लोगों को डाउट्स नहीं है? तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? या तो देखो तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो. एकमात्र ये यश ही है जो डाउट्स पूछ रहा है. बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी भी एमटी खत्म हो गया तो उस खुशी में एंजॉय कर रहे हैं. ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे यश. ये हम लोग अनरिस्ट्रेंड एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, ये थर्मोडायनेमिक्स में बताएंगे. तो उसमें यू विल बी एबल टू कम अक्रॉस दिस. अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, लाइक वर्क, काइनेटिक एनर्जी, ये सब चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं करी हैं. हाँ रोमिल, थर्मो में करते हैं इसको डिस्कस.
और बताओ। नहीं, ये आइडियल गैस के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें इन्वर्जन टेम्परेचर का लेना देना नहीं है। इसका आंसर तो बी ऑप्शन है। ऑलराइट, नेक्स्ट कौन सा पूछ रहे हो यश? ये मैट्रिक्स मैच पूछ रहे हो क्या? मैट्रिक्स मैच में टाइप वन पार्ट बी, तो उसमें प्रेशर लाइक ऑलमोस्ट जीरो बोला ना। ऑलमोस्ट जीरो का मतलब क्या हो गया? लाइक अंडर वेरी लो प्रेशर कंडीशंस व्हाट इज इट दैट वी से? वेरी लो प्रेशर कंडीशंस में जेड अप्रोचेस वन, तो ये आर से मैच करेगा ना, आइडियल बिहेवियर। तो यही तो है, बी का आर सी मैच कर रहा होगा। थैंक यू रोमिल, आई अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट, बट अभी हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। ऑफलाइन क्लासेस तो मुझे नहीं पता, इनफैक्ट आज तो कहीं तो मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा कि लाइक 2020 में मुंबई में स्कूल्स आर नॉट गोइंग टू ओपन, एज इन लाइक इट विल स्टिल बी इन एन ऑनलाइन मैनर ओनली। और बताओ, डाउट्स क्या है गाइस? एनीथिंग एल्स? अदरवाइज कोई कुछ इंटरेस्टिंग ही बता दो। व्हाट इज इट दैट इज गोइंग ऑन नाउ डेज? समथिंग न्यू? मेरा डेटाबेस आजकल अपडेट ही नहीं होता है। मेरा तो स्टूडेंट से ही मतलब मेरा जनरली डेटाबेस अपडेट रहता था कि क्या नया चल रहा है मार्केट में। अभी इंटरेक्शन ही नहीं हो पाते हैं।
अच्छा नवी मुंबई में 23 नवंबर ऑनवर्ड्स बात चल रही है स्कूल्स ओपन करने की। ऑलराइट उसका क्या हुआ, वो जो जूनियर कॉलेजेस पर लाइक जूनियर कॉलेज एडमिशन्स पे स्टे लगा हुआ था, वो अभी भी लगा हुआ है क्या? एडमिशन्स महाराष्ट्र, वो रिजर्वेशन का कुछ तो डिस्प्यूट चल रहा था। हाँ रोमिल वो दूसरे चैनल के ही वीडियोस हैं, वो तो जस्ट मैंने ऐसा कलेक्शन बनाया हुआ था फॉर टाइम पास, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट कुछ करा होगा कभी। आई डोंट इवन रिमेम्बर दोस ट्रिक्स एनी मोर। अच्छा, नए स्टूडेंट्स को दर्शन देने का। हाँ, राइट दे देंगे यार दर्शन, ऐसा क्या है। अच्छा तुम तो पुराने ही हो। वो मैं क्या पूछ रहा था भाई, आप लोगों का हुआ कि जो जूनियर कॉलेज का एडमिशन्स था, FYJC एडमिशन्स, वो हुए कि नहीं हुए, या अभी भी अटका हुआ है वो प्रोसेस? अच्छा अभी भी स्टे लगा हुआ है। क्या चल रहा है, किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। ऑलराइट ठीक है, होगा जब सर पे आ जाएगा तब होगा। ऑल राइट बताओ, चलो और कुछ डाउट्स हैं? इन केस नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं, मेरा एक और लेक्चर है इसके बाद में। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आप लोग बॉन्डिंग का काम जारी रखो एंड डू इंश्योर दैट एनी बैकलॉग्स आर देयर, वो सब कवर अप हो रहे हैं। हाँ नहीं आयुष वो है, फ्रेंशियम इज हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, बट द थिंग इज बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव नेचर वी डोंट इंक्लूड इट इन पार्ट ऑफ आर जनरल डिस्कशन। हाँ नहीं, मैं फिजिकल केमिस्ट्री के ट्रैक में ही रहूंगा आप लोगों के साथ में। ऑर्गेनिक का ट्रैक अभी कौन BYCH से पढ़ा रहा है ना आपको, वही पढ़ाएंगे आगे। आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल के चैप्टर्स आगे, अभी थर्मोडायनेमिक्स और उसके आगे के चैप्टर्स जाएंगे। बॉन्डिंग में अब अपन थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे, लाइक एक स्टार्टिंग का एक हैंड होल्डिंग का पीरियड रहता है जहाँ पर वी गो अ बिट स्लो, बट नाउ दैट यू आर वेल वर्स्ड विद लोअर स्ट्रक्चर्स तो अब मैं थोड़ा सा आगे स्पीड बढ़ाते हुए जाऊँगा, क्योंकि लोअर स्ट्रक्चर्स का पार्ट एक ऐसा रहता है जो कि फंडामेंटल है इन मैनी फ्यूचर एप्लीकेशंस। ठीक है, ऑल राइट गाइज, देन लेट्स क्लोज टुडेज डिस्कशन। एनी अदर डाउट्स यू हैव लेट मी नो, अदरवाइज विल क्लोज टुडेज डिस्कशन।
right. क्या क्वेश्चन है आयुष तुम्हारा? अच्छा, तुम तो ऐसे लाइट के बारे में पूछना चाह रहे हो. फोटॉन्स आर मासलेस इज समथिंग विच वी डोंट से टेक्निकली. वी से फोटॉन्स का रेस्ट मास जीरो है. ठीक है, अदरवाइज व्हाट वी से इज दैट एनर्जी एंड मास दे आर नाउ रिलेटेड बाय द आइंस्टीन्स equation of energy mass equivalence. हाँ, right. Hydrogen is electropositive in nature only. Hydrogen को electronegative नहीं बोलते हैं. It is relatively like देखो electropositive and electronegative ये also depends on relative to each other. ठीक है, so like for example HCl है तो उसमें भी से hydrogen is going to behave electropositive in covalent compounds. You come across metallic hydrides तो वहाँ पर Na plus and H minus ion रहता है. तो it is going to be something which depends on the compound that you are going to study. ठीक है. All right then. See you guys next week. Chalo, let's close the lecture. Take care. Good night.